माँ को प्रसन्न करने का सबसे शुभ समय यह शारदीय नवरात्र आता है, जिसमें माता जी के 9 दिनों तक विभिन्न प्रकार के रूपों की हम लोग पूजा पाठ करते हैं। इस बार जो नवरात्र का मुहूर्त है 15 अक्टूबर से शुरुआत हो रही है। प्रतिपदा के दिन अभिजीत मुहूर्त में 11:48 से लेकर 12:32 तक इस समय कलश स्थापना की जाएगी। चूंकि ऐसा मुहूर्त है, दुर्लभ मुहूर्त है, इसलिए एक कलश रखकर और कुछ आम का पल्लू व कुछ फल फूल मौली रखकर जिसकी जैसी क्षमता समर्थ है अपना रखेगा। सबसे बड़ी बात है कि इसमें दुर्गा चालीसा, दुर्गा आराधना, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है और माँ की कृपा प्राप्त करने का सबसे सुंदर पर्व। हम कलश लेकर उस पर मौली से बांध कर ओम स्वास्थ्य का निशान बनाकर उस पर मौली एक बड़ा सिक्का अक्षत डालकर और उसमें घी का दीपक जलाकर उसकी शुरुआत करते हैं और गणेश जी की पूजा पाठ करके उसका ध्यान करके माता दुर्गा का सरस्वती का पाठ करके पूजा का शुरुआत करते हैं। इस तरह से माँ का पूजा करने से बहुत लाभ होता है।